आसनसोल नगर निगम के MIC का गठन करने में हो रही देरी को लेकर 27 नंबर वार्ड की BJP काउंसिलर चैताली तिवारी ने कोलकाता हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। काउंसिलर चैताली तिवारी ने मेयर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की है। गत 25 फरवरी को विधान उपाध्याय ने नए मेयर के रूप में शपथ ली थी, लेकिन लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी MIC का गठन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में अब आगामी 9 जून को इस मामले पर सुनवाई होगी। आसनसोल के मेयर व 12वीं से तृणमूल विधायक विधान उपाध्याय पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मांग करते हुए BJP पार्षद ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 27 की BJP पार्षद चैताली तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मेयर पद का शपथ लिए विधान उपाध्याय को 2 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मेयर परिषद का गठन नहीं हुआ। इस कारण लोगों तक नागरिक सेवाएं पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। निगम का कामकाज सही तरीके से नहीं हो रहा है और न ही उनकी निगरानी हो रही है। इस संबंध में चैताली तिवारी के वकील पार्थ घोष ने बताया कि 25 फरवरी 2022 को विधान उपाध्याय ने आसनसोल के मेयर के रूप में शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल म्यूनिसिपल एक्ट 2006 के नियमों के अनुसार मेयर पद ग्रहण करने के 60 दिनों के अंदर मेयर इन काउंसिल का गठन करना होता है, जो अवधि 26 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। मेयर के शपथ लेने के 2.5 महीने से भी अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक MIC का गठन नहीं किया गया है। अब इसी मामले में हाईकोर्ट में हस्तक्षेप की मांग करते हुए चैताली तिवारी ने याचिका दायर की, जिस पर 9 जून 2022 को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ में सुनवाई होने की संभावना है। हालांकि इस रीट के बाबत जिक्र किए जाने पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि सभी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, कुछ तकनीकी कारणों से काउंसिल का गठन नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके अपने घर के सपने को साकार करने के लिए सालुजा रेसिडेंसी लेकर आया है ड्रीम सिटी, डेवलप्ड बाय विपद वरण मंडल। कॉन्टैक्ट नंबर 8170016435। उत्तम घोष। कॉन्टैक्ट नंबर 8170037005। जयराम सिंह। कॉन्टैक्ट नंबर 9332997757। और विक्की सिंह सलूजा। कॉन्टैक्ट नंबर 8637380398। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 2.5 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा और 16 कट्ठा के रेसिडेंशियल प्लॉट उपलब्ध हैं, वो भी आसनसोल, जामुरिया और रानीगंज शहर के कनेक्टिंग पॉइंट पर नेशनल हाईवे 2 के बिल्कुल करीब। सालुजा रेसिडेंसी में आपको मिलेंगे 40 फीट रोड, लाइट, बिजली, पानी, CCTV और एम्बुलेंस की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक करें रेसिडेंशियल प्लॉट्स। साइट एड्रेस, रानीसर ऑपोजिट लाल बांग्ला कांता, जामुरिया।